शिवसेना बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ राज्य में सरकार चला रही है, तो वहीं बीएमसी में भी शिवसेना सत्ता का भोग कर रही है, लेकिन बीजेपी को बीएमसी में विपक्ष का पद भी नहीं है। बीजेपी की राजनीतिक चूक की वजह से कांग्रेस बीएमसी में विपक्ष की भूमिका निभा रही है और कांग्रेस राज्य में सत्ता में भी शामिल है, लेकिन अब बीएमसी में शिवसेना की मनमानी रोकने के लिए बीजेपी नई रणनीति बना रही है और आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी अब बीएमसी से शिवसेना को बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिवसेना के हाथों राज्य की सत्ता गंवाने वाली बीजेपी बीएमसी में शिवसेना को घेरने के लिए एक मजबूत नेता की तलाश कर रही है। बीएमसी में बीजेपी के गुट के नेता मनोज कोटक के सांसद बनने और पराग शाह के विधायक बनने के बाद भाजपा जैसे नेतृत्व विहीन हो गई है। फिलहाल कोटक की गैर मौजूदगी में प्रभाकर शिंदे विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल बीजेपी सांसद मनोज कोटक को नगर सेवक पद से इस्तीफा देने को कह सकती है, क्योंकि वह संसद सत्र और संसदीय क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण बीएमसी में समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए इनकी जगह प्रवीण खेड़ा या भालचंद्र शिरसाट को उपचुनाव लड़ाकर बीएमसी में लाया जा सकता है। बीजेपी ने वर्ष 2022 के बीएमसी चुनाव में पार्टी का महापौर बनाने का दावा किया है। 16 फरवरी को नवी मुंबई में बीजेपी की बैठक होनी है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद बीएमसी को लेकर भी निर्णय होने की संभावना है। बता दें कि बीजेपी बीएमसी में एक मजबूत नेता की तलाश कर रही है जो शिवसेना के मनमानी निर्णयों पर रोक लगा सके। इसके लिए कई नामों पर विचार भी चल रहा है और अब जल्द ही बीजेपी बीएमसी में नेता विपक्ष के पद पर दावा करेगी। इसके बाद बीजेपी 2022 के बीएमसी चुनाव में अपना महापौर बनाने के मिशन पर निकल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।